सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप आज मार्केट पे ट्रेड किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आज निफ्टी जिसी लेवल पे हाई बना था लगभग 200 पॉइंट नीचे आके आज क्लोजिंग दिया है। और ये निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी थे, ये 50 कंपनी से लगभग 45 कंपनी का शेयर आज नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, निफ्टी आज इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे, ये स्टॉक कल का कंपैरिजन में आज ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक हायर हाई हायर लो मेंटेन करके ये चल रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ये स्टॉक किस टाइप के कैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, उसका चार्ट देखने से पहले मैंने आप लोगों को बता दूं, वो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट देख के हम समझते हैं कि ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है तो कितना ऊपर ये जा सकता है और इसी स्टॉक का स्ट्रेंथ कितना है और ये स्ट्रेंथ के हिसाब से ये कितना जल्दी कितना ऊपर जा पाएगा और ये स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ये स्टॉक कितना बड़ा मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों, ये सारे मूवमेंट जाने के लिए चलिए हम उसका कैंडल पैटर्न ओपन करके देखते हैं कि ये किस टाइप का मूवमेंट देने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से ये देखिए 2-3 महीना पहले ये बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ गया था और ये अक्टूबर के बाद ये देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी रखा है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन को आके टच कर रहा है तो उसके बाद इसके ऊपर चला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन को आया था, अभी इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप आज का कैंडल को देखेंगे, ये एक हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है और इसका जो वॉल्यूम है, देखिए इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर हैमर पैटर्न फॉर्म करता है तो हमको ये सिग्नल देता है कि ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन भी ड्रॉ करके रखा है और ये रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये 61.8% लेवल 2580 के आसपास आ रहा है और देखिए ये लेवल को धीरे धीरे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है और 3 दिन से ये लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। जब भी कोई भी स्टॉक किसी लेवल के ऊपर 3 दिन से ज़्यादा क्लोजिंग देता है तो स्टॉक उसी लेवल से और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए हमको कन्फर्म कर देता है। ये स्टॉक 3 दिन से ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कल का जो क्लोजिंग था, आज का क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो दोस्तों, हायर है हायर लो पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है जो कि अप ट्रेंड को जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, तो दोस्तों जानने के लिए मैंने यहाँ पे एटीआर वैल्यू को ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि एटीआर वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक ऑन एंड एवरेज 1 दिन पे कितना पॉइंट मूवमेंट देता है। ये स्टॉक ऑन एंड एवरेज 1 दिन में 78 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करता है। अगर आप इसी स्टॉक पे इंट्राडे करना चाहते हैं तो आज का जो हाई है, अगर ये हाई के ऊपर जाता है तभी आप ये स्टॉक पे एंट्री लेंगे और आप ये मान के चलेंगे कि ये स्टॉक मिनिमम ऑन एंड एवरेज 60 पॉइंट के आसपास मूव कर सकता है। तो दोस्तों, अगर 60 पॉइंट के आसपास मूव करेगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप 1:2 रेशियो पे ये स्टॉक पे इंट्राडे पे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। देखिए, इसका हाई आया है 2623 के आसपास। अगर इसी लेवल से 60 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट रहता है तो आपका टारगेट आएगा 2683 के आसपास और आपका स्टॉप लॉस जो आएगा वो 2593 के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पे 1:2 रेशियो पे आप यहाँ पे इंट्राडे पे ट्रेड लेंगे। अगर आप इसी स्टॉक पे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखिए 2-3 दिनों का ये जो स्विंग लो है, आप ये स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आएगा अराउंड 2525 लेवल के आसपास और जो टारगेट आएगा, फर्स्ट टारगेट 2760 और सेकेंड टारगेट 2993 के आसपास आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है ये 70 पॉइंट के आसपास आ रहा है और ये जो टारगेट है ये 200 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट के आसपास ये टारगेट आएगा। तो इसी स्टॉक पे 1:3 रेशियो पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मिल रहा है और 1:5 पे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में एंट्री करने के लिए मिल रहा है। तो इस स्टॉक पे अभी खरीदारी करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है और ये स्टॉक हमको सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक पे मेजर चांस है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा।
लेकिन दोस्तों आप इस स्टॉक पे एंट्री करने से पहले आप कितना रिस्क ले पाएंगे पहले वो डिसाइड कीजिए। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाएंगे तो अभी आप इस स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने इंट्राडे पे या स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।